नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायतों के ऑडिट को लेकर। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बिहार में अक्टूबर से नवंबर के बीच में पंचायत चुनाव होना है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट जारी किया जा रहा है। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने अधिकारियों को पंचायतों का ऑडिट समय पर नहीं कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही सरकार ने इसके लिए डेडलाइन भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थानों को सरकार द्वारा दी गई विकास राशि का वार्षिक तौर पर योजना के बाद उपयोग प्रमाण पत्र विभाग को जमा करना होगा। आपको बता दें कि पंचायतों में हो रहे विकास का कार्य सही समय पर हो रहे हैं या नहीं, इसकी पड़ताल करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की समय सीमा तय करते हुए विभाग ने निर्देश दिया है कि ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि ऑडिट में लगे पंचायत कर्मियों को आगामी पंचायत चुनाव के प्रबंधन से अलग रखा जाए। समय सीमा तय करते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारियों से कहा गया है कि पंचायत सचिव, लेखापाल, सह आईटी सहायक या फिर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से किसी भी स्तर पर काम में कोताही हो तो उनके वेतन रोकें और अनुशासनिक कार्रवाई करें। इसके साथ ही जिला पंचायत पदाधिकारी को भी चेताया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके स्तर पर काम में देरी होने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। इधर पूरे मामले को लेकर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी पंचायती राज पदाधिकारियों से कहा है कि वह अपने जिले के त्रिस्तरीय पंचायत संस्थानों के वित्तीय वर्ष 2018-2019 का उपयोगिता प्रमाण पत्र 5 अगस्त तक उपलब्ध कराएं। साल 2019-2020 का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 अक्टूबर तक और साल 2020-2021 का उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले साल 31 जनवरी तक किसी भी सूरत में विभाग के पास भेजें। इससे पहले पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि हर घर नल जल का काम पूरा नहीं करने वाले मुखिया और वार्ड सदस्य आगामी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। विभाग यह आंकड़ा जुटाने में लगा है कि किन पंचायतों में, किन वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। साथ ही सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारियों से कहा गया है कि सभी मुखिया और वार्ड सदस्यों को इस संबंध में सूचना दे दें ताकि बचे हुए काम युद्ध स्तर पर किया जा सके। पंचायती राज अधिनियम की माने तो जनप्रतिनिधियों को उन्हें दिए गए दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाने पर पद से हटाने का प्रावधान है। हटाए जाने के बाद उन्हें आगामी चुनाव में अयोग्य घोषित करने का भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा था कि पैसा मुखिया के पास जाता है और उन्हें ही वार्ड का क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में काम करना है। योजना पूरी होने पर मुखिया और वार्ड सदस्य दोनों जिम्मेवार माने जाएंगे। तो ये थी पंचायती राज विभाग को लेकर जानकारी। इसमें पंचायत चुनाव के साथ ही पंचायतों में जो हो रहे काम हैं उसके ऑडिट को लेकर जानकारी दी गई, जिसमें अधिकारियों पर नकेल कसने की बात कही गई है। तो ये थी बिहार से लेकर जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।